चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, तब किसकी याद आ गई भाई? ऐ मेरे जाने वफा, तुम याद आए, किसकी याद आ रही आज रेनबो रिवाइंड के सफर में? भाई आ भी जाएं वो, क्योंकि क्योंकि निसुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। बोलो ना बोलो, मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। भाई क्या बोलेगी वो, पहले तो हम बता देते हैं कि आज है उस शख्सियत का जन्मदिन, तो हमारी तरफ से, पूरी एफएम रेनबो टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। तुम जियो
मन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू।
birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे तो हम कर रहे हैं, पर नहीं ये सुनीता है, नहीं कविता है, नहीं अनीता है। ये तो वो हैं जिनसे हमें है मोहब्बत। ये जो मोहब्बत है, रात का समा झूमे चंद्रमा में, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहे मेरे दुश्मन। आप तो मेरे दिल भर दिल से प्यारे हैं। खत लिख दे सांवरिया के, यानी मेरे लिसनर्स के नाम बाबू, वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। ऐसा मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि आपकी बातें, यानी आपके मैसेजेस, आपके जो बातें हैं, अभी जो हमारे अलर्ट लिसनर्स जो जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से पूरी शिद्दत से, यानी कि बस लगता है उनके मैसेज पढ़कर आँखों से जो उतरी है दिल में, और तभी तो मन गुनगुनाता है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। तो बताइए, आज आपको किसकी याद, किसका प्यार, किसकी मोहब्बत खींच कर पकड़ कर 107.FM तक ले आई है, तो बताइए उनका नाम, और कह रही है जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। आएगी ये नजर ना।
तो जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी। जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। और रेनबो रिवाइंड का सफर जो जारी हो चुका है चलेगा पूरे 2 बजे तक। इसमें आज आपके साथ है आपके आरजे दोस्त वैशाली। और इस कार्यक्रम में आज कौन है हमारे साथ? जी हाँ, अब तो हमारे सारे लिसनर ने, जी हाँ एक दो नहीं, हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे लिसनर ने उनका नाम पहचान लिया। तो अब लुका छिपी का खेल खत्म, वो पर्दे से आगे आ चुके हैं हमारी शख्सियत, वो है आज की आशा पारिक। जी हाँ, जिनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे। 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा जी आज हो गई हैं पूरे 82 साल की। जी हाँ, उन्हें जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और उनका जीवन स्वस्थ रहे, और यही हम सब की तरफ से आशा है, ऐसा हमारे लिसनर भी चाहते हैं और वो उनके लंबी उम्र के और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, आशा करते हैं। आशा पारिक 60-70 के दशक की एक फेमस हीरोइन जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया। आशाओं से भरा एक नाम आशा पारिक, जिन्होंने सबसे पहले लीड हीरोइन के रूप में नासिर हुसैन की मूवी दिल देके देखो में काम किया, जिसमें उनके अपोजिट शमी कपूर थे उनके मेन हीरो का, जिन्होंने रोल प्ले किया था। और यह मूवी आशा जी के 70वें जन्मदिन पर रिलीज हुई थी। तो आज उनके 82 बर्थडे पर इसी फिल्म का गीत पेश है आपकी खिदमत में। 11:30 हम तुम और ये समा। जी हाँ, क्या खूब बन पड़ा है ये समा। बेकरार से हो क्यों हमको पास आने दे दो, हाथ से वो रुमाल उठाने भी दो, बनते क्यों हो जाने भी दो, बनते क्यों हो जाने भी दो, हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना सुना सा है। आज बात बात पे आप क्यों संभलने लगे, थर थराए होत क्यों अश्क क्यों मचलने लगे, लिपते गए सो खुलने लगे, लिपते गए सो खुलने लगे, हम और तुम नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना सुना सा है।
दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, ओ हो हो तुम भी दिल देके जल जाना सीखो जी, आ हा हा तुम भी दिल देके जल जाना सीखो जी, कैसे देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो समझो दीवाने की जबान, प्यार जो ना होता ये जहां, समझो 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 दीवाने की जबान, प्यार जो ना होता ये जहां, ओ हो हो तुम भी दिल देके ये गाना सीखो जी, हा 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 तुम भी दिल देके ये गाना सीखो जी, क्या दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। जी हाँ, ये तो जो दिल का सौदा है ये तो आपके और हमारे बीच होता ही रहता है 107.1 FM रेनबो, और साथ ही होता है हमारे रेनबो रिवाइंड के सफर में तो जरूर होता है, क्योंकि इतने सारे जो हमारे लिस्नर हैं वो हैं रेट्रो सॉन्ग्स के मुरीद, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले, उनके ख्वाहिशमंद, तो उन सबका स्वागत है रेनबो रिवाइंड के सफ़र में। स्वागत कर रही है आपके आरजी दोस्त वैशाली, भगवान दास जी और ये राजन जुठानी कांदीवली से, विलास परदेशी और अजय साखरे इंदौर से, जैन मानिकलाल दवे, मंगेश महात्रे, यश शिंदे, राजेंद्र परमा जी हमारे हमेशा के लिसनर, और ये है सैरेन जरीन, और इसके अलावा आनंद मोकाशी, बहुत सारे लिसनर लगातार 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 हमसे जुड़ भी रहे हैं, आशा पारिक जी की बातें भी कर रहे हैं और कुछ अपनी फरमाइशें भी भेज रहे हैं उनके गीतों की। बिल्कुल सारी फरमाइशें पूरी होंगी आपकी, हमारी और आशा पारिक जी की। आग
आकाशवाणी FM रेनबो। फरमाइशों को पूरा करने से पहले क्या हम उनके बारे में ये कहना चाहेंगे, पसंद करेंगे? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या कहते हैं आप? साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेपरहार था, जिया बेपरहार था, आज भी है। पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है आज कल भी रहेगा। मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जब मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है आज कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेपरहार था, जिया बेपरहार था, आज भी है। इस दिल के तारों में
कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। जितने तीर चले हो चलने दो, जिगर पर झेलेंगे इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। Thank you.
सूरत उफ़ियुम्मा प्यार क्यों न होगा ये अदाए उफ़ियुम्मा ये मौसम उफ़ियुम्मा ये धरती उफ़ियुम्मा कैसे दिल को रोकूं कोई थामे उफ़ियुम्मा ये आँखें उफ़ियुम्मा आंखें उफ़ियुम्मा कुछ अलग से हटके ये गीत था और इसकी फरमाइश की थी हमारे किसी रेगुलर लिसनर ने। इसके अलावा भी कुछ फरमाइशें हैं जो आशा पारिक के गीतों को सुनना चाहते हैं, उनके जन्मदिन पर उनको इन गीतों के माध्यम से याद करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक हैं सरीन ज़रीन और उनका वो सुनना चाहती हैं फिर आन मिलो सजना का ये गीत तो आप तक पहुँच रहा है। इसके साथ ही कुछ बातें भी तो होनी चाहिए भाई, आपको कुछ क्या जानकारी है, आप क्या जानते हैं आशा पारिक के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं गीतों की फरमाइश के साथ उन्हीं के। आशा पारिक पहली भारतीय हीरोइन थी जिनको कि सन 1998 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चेयरपर्सन बनाया गया था। सन 1998 से सन 2001 तक मतलब लगभग पूरे 4 साल उन्होंने काम किया इस पोस्ट पर। आशा पारिक एक मंझी हुई कलाकार अदाकारा थी जिन्होंने अनेक हीरो के साथ धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेंद्र कुमार, शमी कपूर के साथ काम किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने 4 दशकों के करियर में 85 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है आशा पारिक जी ने। जी हाँ, तेरे कारण मेरे साजन
बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नई एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते हुए कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स। म्यूजिकली योर्स 107.1 FM रेनबो पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रेनबो रिवाइंड का सफर जारी रहेगा पूरे 2 बजे तक आपके आरजे दोस्त वैशाली के साथ। विलास परदेशी, अजय साखरे इंदौर से, विनोद भोसले और मंगेश महाते दादर से, राजेंद्र जुठानी कांदीवली से, यश शिंदे जी, राजेंद्र परमार जी, आप सबकी फरमाइश है भाई, एक के बाद एक पूरी होती जा रही है और होती जाएंगी, इस बात का भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अपनी आशा बनाए रखिए। हाँ, एक आशा के विपरीत, यानी मैं जो समय घड़ी के सुई कह रही कि 12 बज गए, पर मैं आपको गीत सुनाने वाली हूँ आशा भोसले जी की आवाज़ में। आशा पारिक पर फिल्माया ये गीत, जिसमें वो कह रही हैं देखो 10 बज गए हैं।
मजे का आलम कितना। दो बजे का आलम कितना प्यारा होता है, प्रेम दीवाने जागे और जग सारा सोता है। Thank you.
सवारियां मेले की हो गई तैयारियां, तेरा मेरा मिलन कब होगा, मिली प्रीतम से सब पनहारियां। दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां, बिछन्ना किस कम दिया ये सहेलियां, मेरी रात आने किन्निया खेलियां। आन मिलो सजना, जी हाँ दोस्तों, तो हम तो जुड़ चुके हैं और जुड़े रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा रहता है, सब भरोसे पे हमेशा वे खरे भी उतरते हैं। तो भाई वो जुड़े रहें इसके लिए बहुत सारी जानकारियाँ साझा करना आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी होता है। आज जब हम बातें कर रहे हैं आशा पारिक जी की, तो उन्हें दो फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सन 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा पारिक के फिल्मों की सूची देखेंगे जो कि बहुत लंबी है, तो उसमें से कुछ फिल्मों के नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दिल देके देखो जो मैंने आपको गीत सुनवाया था वो उनकी सबसे पहली लीड हीरोइन के रूप में फिल्म थी, सन 1959 में आई थी, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका थी और उसके बाद तो ये सिलसिला चल पड़ा। 1960 और 1970 के दशक में जब प्यार किसी से होता है आई थी, 1961 में भरोसा, 1963 जिद्दी, 1964 मेरे सनम, 1965 तीसरी मंजिल, 1966 लव इन टोक्यो, 1966 दो बदन, 1966 इन फिल्मों के गीत आप कुछ कुछ, दो बदन का मैंने आपको सुनाया था, जाइए आप कहाँ जाएंगे, आए दिन बाहर की सन 1966, उपकार 1967, कन्यादान 1968, शिकार 1968, आया सावन झूम के, भाई ये कुछ बहुप्रतीक्षित फिल्में के गाने हैं जो आपके लिस्ट में भी हैं, मेरी लिस्ट में भी हैं, पर चूंकि आपको मुझे जगाना है, आपको मुझे जोड़े रखना है, तो कुछ गाने मैं अभी बचा के रख रही हूँ जिनको सुनने के लिए आप उतावले हैं और उतावले रहेंगे, तो इसलिए इन गानों को मैं अपने जो मेरा खजाना है उसमें चुन चुन के कुछ मोती मैंने रखे हैं। वैसे बहुत सारे गीत जो अभी भी आप सुन रहे हैं बहुत ही फेमस हैं, आपकी ज़बान पे चढ़े हुए हैं,
और आप इसको साथ में गुनगुना भी रहे होंगे। सन 1969 में आई साजन चिराग और सन 1970 में आई कटी पतंग, जिससे शुरुआत की थी आज हमने अपने कार्यक्रम की ये शाम मस्तानी। आन मिलो सजना जिसको आपने अभी अभी सुना वो था सन 1970 की फिल्म का गाना। मेरा गांव मेरा देश सन 1971, कारवां समा ये भी 1971। फिर उसके बाद 1972 में आई समाधि, 73 में आई हीरा, उधार का सिंदूर आई 1976, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 और कालिया 1981। तो ये तो उनकी फिल्मों की सूची थी लंबी चौड़ी जो कि अभी भी पूरी नहीं समाई है, और भाई समाएगी भी कैसे क्योंकि 85 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया, 4 दशक तक काम किया। तो बहुत सारी फिल्मों के बहुत सारे गीत जिसको कि गाने वाले गायक कलाकार भी अलग अलग थे, जिसमें कि आशा भोसले की आवाज़ आपने सुनी, लता मंगेशकर की सुनी, उनके साथी कलाकारों के रूप में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ें सुनी। अब अगला गीत ये आशा जी पे फिल्माया तो गया है, और जब हम इसकी कल्पना करें तो जब वो पत शुरुआती दौर रहा होगा, तो जब दर्शक निर्देशक और जो हमारा सिनेमा समाज था वो उनके लिए यही कहता होगा। जब तलक फूल बन के खिले इंतजार करो ये कली जब तलक फूल बन के खिले बेकरार करो
फसाना किया, रोज तुमने नया एक बहाना किया। हमसे प्यार, हमसे प्यार करो, इंतजार करो। बढ़ते ही जा रहे हैं।
आशा पारेख की मासूमियत, उनकी सुंदरता ही उनके कलाकारी में चार चांद लगाती रही और लगाती रही, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में उनकी आंखों के लिए, उनकी अदाओं के लिए बहुत सारे गीत लिखे गए जो सिर्फ उन्हीं पर सूट करते हैं। आंखों से जो उतरी है दिल में, या फिर तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, भाई ऐसे बहुत से गीत हैं जो कि कतार में खड़े हुए हैं और अपने आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पर एक गीत जो कि आशा पारेख का नाम लेते ही सबसे पहले जुबान पे आता है, और वो गीत कानों में जब जाता है तो पैर अपने आप यूं ही छन 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 पायल की झनकार के साथ छनकने लगते हैं। राजा बंगले के पीछे
34 मिनट और 34 सेकंड हो चुके हैं कार्यक्रम चला रेनबो रिवाइंड और सफर पर आज आप हैं मेरे साथ मेरे हम सफर और आज इस कार्यक्रम की जो मुख्य शख्सियत है वो है आशा पारिक जिनके आप मैं और हम सब दीवाने हैं। Mm-hmm.
ना बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। ये बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। निसुल्ताना रे चार का मौसम से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। ये बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। सारे चलत के मतलब चलत यानी मीन्स स्पीड के कुछ ऐसे अट्रैक्टिव सॉन्ग ऐसे कुछ मस्ताने गीतों को जो मैं लेकर आई हूँ, तो आप ये मत शिकायत कीजिएगा कि भाई इन गीतों को सुनते हुए हमारे पैर थिरकने को मजबूर है या हमारा मन जो है दिल भी जो है इन गीतों को गुनगुनाने पर मजबूर है। भाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत से ही जो गीत रचे गए हैं, लिखे गए हैं, सुनाए गए हैं और फिल्माया गया है इनको आशा पारेख पर, तो ये सब होना तो लाजमी है। है भाई, है, बिल्कुल है। अब बहुत सी बातें तो आप जानते हैं, कुछ बातें मैं आपकी जानकारियों में ऐड करना चाहती हूँ। आशा पारेख गुजराती हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर को आता है 1942 को उनका जन्म हुआ था। उनकी माँ सुधा उर्फ सलमा पारेख बोहरा मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई पारेख हिंदू गुजराती थे। उनकी माँ ने उन्हें कम उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं में दाखिला दिलाया और इसीलिए वो बहुत अच्छे से गीत और संगीत का ज्ञान रखती थी।
आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा पारेख के नाम से की थी। विमल रॉय ने एक मंच समारोह में उनके नृत्य को देखा और जब वो 10 साल की थी, मात्र 10 साल की, तो उसी उम्र में उन्हें माँ फिल्म में कास्ट किया था और फिर उन्हें बाप बेटी फिल्म में भी दोहराए। सन 1992 और 1994 की बात है। उसी 1952-1954 की बात है, किंतु बाद में बहुत समय तक उन्हें फिल्मों में कोई सफलता नहीं मिली और इससे वह थोड़ी निराश हो गई थी। जब वे 16 साल की थी तब उन्होंने फिर से अभिनय करने की कोशिश की और विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, किंतु उसमें उन्हें अभिनेत्री के रूप में, मतलब लीड रोल के रूप में उनको ऑफर नहीं किया गया और बल्कि मतलब उनका नाम पहले था, बाद में हटा दिया गया, जिससे कि वे बहुत ही निराश हो गई। किंतु निराश होने का समय वो नहीं था क्योंकि 8 दिन बाद ही, जो निर्माता पहले कह रहे थे कि भाई वो स्टार मटेरियल नहीं है, जब सुबोध मुखर्जी की फिल्म आई नासिर हुसैन के निर्देशन में दिल देके देखो, जिसमें कि अपोजिट थे उनके शमी कपूर, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके गीत मैं आपको सुनवा चुकी हूँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनवा चुकी हूँ। और जैसे ही नासिर हुसैन के साथ इस तरीके की फिल्मों की शुरुआत हुई तो फिर ये सिलसिला लंबा चलता चला गया, जिसमें 6 फिल्में और उनकी इस लिस्ट में जुड़ी जिसमें उन्होंने लीड रोल किया। वे फिल्में थीं जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल आया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां। तो अब जब कारवां का नाम आ गया है तो इस कारवां में जब आप और हम जुड़े हैं तो लोग कहते हैं ना, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, तो भाई आप लोग जब जुड़े हुए हैं, कारवां बना हुआ है, तो फिल्म कारवां का गीत सुनाने से मैं भला पीछे कैसे हटूं।
कहाँ तेरा देश, गोरिया कहाँ तेरा देश।
देख देख रे उड़ता बादल ना दिन रुके न रात देख देख रे उड़ता बादल ना दिन रुके न रात का नहीं देश रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो तोहे देखो तो लागे ठेस रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे बारिश की बूंद में बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूँ कोई धुन नहीं चले हम कहीं आकाशवाणी एफएम रेनबो आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल एफएम रेनबो का प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलो हर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं और आप जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी इसका नंबर है जो आपके मोबाइल में सेव है और यदि कोई नए लिसनर है और जिन्हें लगता है कि अरे ये नंबर हमें तो पता ही नहीं तो भाई झटपट फटाफट इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में 8657661071 86 57 57 66 और 107 और लास्ट में 107.1 जो लास्ट का नंबर आता है ये है हमारी स्टेशन आइडेंटिटी भी तो और इसके साथ ही जब हमारे जो मोबाइल नंबर के साथ तो आप जुड़ते ही हैं व्हाट्सअप करते हैं व्हाट्सअप में मैसेजेस लिखते हैं अपनी फरमाइशें भी लिखते हैं अपनी जानकारियों से भी हमें भरा पूरा करते हैं और इसके अलावा आप और एक माध्यम जैसे जुड़ सकते हैं वो है न्यूज़ ऑन AIR ऐप जिससे आप जुड़ के हमें सुनते हैं और इसके अलावा यदि आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर तो आपको बता दिया हमारा लैंडलाइन नंबर हमारा कॉलिंग नंबर है 4515-4132 और इसके साथ ही 4515-4133 ये दो नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं आप एफएम रेनबो का यह प्रसारण 24/7 सुन सकते हैं सुनते भी हैं इंग्लिश मराठी और हिंदी इन तीन भाषाओं में इस एफएम रेनबो के प्रसारण पूरे समय चलते रहते हैं और ये समय इस समय एफएम रेनबो पे आप जब सुन रहे हैं ये हिंदी का प्रसारण जिसमें कार्यक्रम चल रहा है रेनबो रिवाइंड और रेनबो रिवाइंड के सफर में आज आपकी हम सफर है आपके आरजे दोस्त वैशाली और बातें हो रही हैं आशा पारेख जी की तो एक लंबी पुकार वाला एक गाना जिससे कि आप यदि कहाँ यहाँ वहाँ कहीं हों तो आ जाएंगे इस गीत के करीब संभल जाओ संभल वालों संभल
दोस्तों, आशा पारेख के बारे में बहुत सारे लिसनर ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी गीतों के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। तो उनकी पर्सनालिटी कुछ थी ही सबसे हटकर। बहुत लोगों के नामों के साथ और बहुत सी पत्रिकाओं में जो उनके लिए लिखा गया, आउट ऑफ इंडिया में लिखा गया स्टेटमेंट ने कहा है कि पारेख जो थी हिंदी फिल्म उद्योग के स्वर्णिम युग में अपने हिट फिल्मों के श्रृंखला के साथ बॉलीवुड की जुबली गर्ल की नाम से जानी जाती है। जी हाँ, जैसे कि हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल कहा जाता है, वैसे ही आशा पारेख जी को जुबली गर्ल की उपाधि अर्जित है, उन्हें जाना जाता है जुबली गर्ल के नाम से। आशा पारेख एक उत्साही, फैशन परस्त, हंसमुख नर्तकी और ग्लैमर गर्ल जैसे विशेषणों से भी उनको नवाजा गया है, उनका ऐसा कहना है। पारंपरिक बॉलीवुड नायिका से लेकर 1960 के दशक की सबसे ज्यादा मांग रखने वाली यानी सबसे महंगी हीरोइनों में से एक नाम शुमार है जिनका, वो है आशा पारेख। उन्होंने अपारंपरिक भूमिकाओं के लिए भी बहुत सा संघर्ष किया। चूंकि आशा पारेख जी ने बहुत सारी फिल्में की हैं तो उनकी भूमिकाएं हर फिल्म में एक अलग किस्म की हैं। कहीं पर तो नायिका के रूप में हैं और कहीं पर उन्होंने बाँ भाभी ऐसे भी रोल करे हैं। कुछ फिल्मों में उन्होंने सहायक भूमिकाओं के रूप में भी काम किया और उसमें भी उन्होंने दर्शकों से तराहना पाई और उनका प्यार पाया। Hey, Rama.
जवानी मेरी चाल मस्तानी तूने कदर राजा ने रामा ओ रामा ओ रामा ओ रामा। रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गए देशों में हर दम। कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों के बाजी। वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारा, रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हर दम। बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है। के उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हर दम। पड़े जब गमों से पाले, रहे मिट के मिटने वाले, पड़े जब गमों से पाले, रहे मिट के मिटने वाले। जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती,
कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। मेरा मन था कि ये फिल्माया तो हीरो पर है, किंतु फिल्म जो है ये आशा पारिक जी की ही फिल्म है। और इस फिल्म इस गीत को सुनाने के बाद अब मैं वो बहुप्रतीक्षित गीत आपकी नज़र करना चाहती हूँ जिसको सुनने के लिए आप सब बेकरार हैं।
जी हाँ दोस्तों, हम भी तो यही कहते हैं कि मैसेज लिख दीजिए और आप कितने हमारे जैसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, ऐसे अच्छे श्रोता हैं जो बराबर 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 मैसेज करते रहते हैं और कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। श्याम सुंदर टंगसाली गोवा से इन्होंने भी आशा पारिक के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, जो उसमें से मैं आपको ऑलरेडी इसमें से बहुत कुछ बता चुकी हूँ। कई लिसनर ने जिक्र किया है कि आरजे बबीता ने आशा पारिक के जन्मदिन पर एक शो किया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और इस कार्यक्रम में हम उस जानकारी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बढ़ पाएंगे। पर आपने हमारे साथ अपने मन की बातें शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीना मलाड से इन्होंने लिखा है, राजेंद्र परमार जी बहुत सारी जानकारियों के साथ, अब जो मैं उन्हीं की पसंद का अगला गीत भी आपको सुनवाने वाली हूँ, निर्माता राजगुप्ता जी की फिल्म से मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म से मैं आपको अगला गीत अभी सुनवाने वाली हूँ। चंद्रकांत टुपे थाने से लिखते हैं कि आपने आशा पारिक पर बढ़िया कार्यक्रम पेश किया कर रहे हो और एक से बढ़कर एक गाने आप पेश कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक मूवी का जो उन्होंने नाम लिया, इसका पहला तब से गीत मैंने आपको सुनाया था, एक गीत और आपको सुनवाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा राजेंद्र जुठानी कांदीवली से बराबर जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारियों के साथ उन्होंने भी बहुत सारी बातें शेयर की हैं। मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत उन्होंने भी सुनना चाहा है। जब तक गंगा मैया में पानी रहेगा, वैशाली जी रेनबो रिवाइंड में आती रही ऐसा उन्होंने कुछ हल्के फुल्के अंदाज में लिखा है। एक बार उन्होंने ये भी लिखा है कि आपकी आवाज़ एकदम लता दीदी जैसी है, तो आपको आने के बाद ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आरजे वैशाली हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। इसके साथ ही बहुत सारे लिस्टनर ने, चूँकि आज तारीख बदल गई है, 3 अक्टूबर हो गया है, 2 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ ही हमारा पितृ ना जो श्राद्ध पक्ष था वो खत्म हो चुका है और आज घट स्थापना होने वाली है, देवी माँ घर में पधारने वाली है, तो आप सभी को, सारे लिसनर को एफएम रेनबो परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और देवी जब आए तो घर में उमंग उत्साह खुशियां लेकर आए, चारों ओर ऐसा सुखद वातावरण रहे कि आप माँ के आगमन को, उनके रहने के एहसास को अपने अंतरतम तक महसूस करें, यही माँ से प्रार्थना है आप सबके लिए। सबके परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा निरंतर होती रहे, इन 9 दिनों में आप माँ को अपने समीप पाएं, यही माँ से भी प्रार्थना है। और यदि हम कोई भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो हम मानते हैं कि वे उन तक ज़रूर पहुंचती हैं, जैसे खास कर यदि माँ की बात की जाए, क्योंकि हम माँ को अपने से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा पाते हैं, तो हम जैसे हम एक माँ से कैसे लाल लड़ाते हैं या अपनी इच्छा को उनके सामने रखने में कोई संकोच नहीं करते, तो इसी कारण ये नवरात्रि के 9 दिन जब आते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम एक नन्हे बच्चे की तरह अपनी झोली फैलाए, अपनी जिद लगाए, अपने इच्छाओं को लेके बैठे हैं और माँ उन्हें पूरा करेंगी करेंगी और करके ही रहेंगी। नंद कुमार झारेकर दापोली रत्नागिरी से एक गाना सुनना चाहते हैं, ये गीत आप तक जरूर पहुंचेगा नंद कुमार जी, पर ये जो आपकी फरमाइश है कार्यक्रम के अंतिम गीत के रूप में रहेगी, तो कैसा रहेगा आप मुझे ज़रूर इस बात का उत्तर दीजिएगा। श्रद्धा कामले धर्मदास नाला सोपारा से, ये जिद्दी फिल्म का गीत है, रात का समा झूमे चंद्रमा, ये गीत बहुत ही फेमस है, बहुत ही मधुर गीत है, मस्ताना वाला भी है, मस्ती वाला भी है, किंतु क्या करें, कभी कभी होता है ना, ये गीत नहीं है हमारी लाइब्रेरी में, मैं इसकी रिक्वेस्ट जरूर करूंगी ताकि आप तक
ये गीत पहुंचे और आप इस गीत को सुन के रात के समय को जब भी रेनबो रिवाइंड हो, सुरीला सफर हो, तो आप गीत को एंजॉय कर पाए। तो इस गीत के लिए इस समय थोड़ी सी मैं आपसे मतलब गुजारिश करूंगी कि अगला कोई गीत यदि आपकी फरमाइश हो तो मैं उस तक जरूर आपको पहुंचाऊंगी, आप तक जरूर उस गीत को पहुंचाऊंगी। फिलहाल मेरा गांव मेरा देश का ये गीत आप तब की नजर, एक बार फिर लता जी की आवाज। छती हुई शमा के
मुझे लगता है ये जो गीत आपने सुना है इस समय मेरा गांव मेरा देश का, ये बहुत अरसे बाद सुना होगा ऐसा मुझे लगता है। क्या मुझे सही लगता है मुझे बताइएगा। ठाकरे डॉक्टर विलास ठाकरे और मिसेस आशा किरण ठाकरे ये भी कार्यक्रम में बराबर जुड़ी हुई हैं। आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट यदि आज मेरी थीम के अकॉर्डिंग हो तो मुझे और खुशी होगी, क्योंकि इस समय मैं आशा पारिक जी के गीत सुनवा रही हूँ और सुनवाती रहूँगी पूरे 2 बजे तक, यानी कि रेनबो रिवाइंड में आज आशा पारिक की ही बातें हो रही हैं। और क्या करें भाई कि इस 3 घंटों में भी मुझे लगता नहीं कि मैं आपको सारे उनके केवल फेमस फेमस सॉन्ग्स तक भी आपको मैं पहुंचा पाऊंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं और तेजी से फिर गानों की ओर बढ़ते हुए अगले गीत की ओर। Yeah.
समय जो घड़ी टिक टिक करके हुए समय बता रही है वो है स्टूडियो की घड़ी में वक्त 1:46 और 46 सेकंड। रेनबो रिवाइंड का ये अंतिम घंटा भी पूरा होने में आया और आशा पारिक से संबंधित बातें जो हैं वो अभी तक
समेटना मुश्किल हो रहा है, उनकी फिल्मों के गीतों को समेटना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी गीतों में बहुत सारे गीत हैं जो कि उनके ही नाम से, उनके ही अदाकारी से जाने जाते हैं। तो कुछ बातें और जो मैं इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहती हूँ, इसके बाद मैं आपसे विदा भी लूंगी इस कार्यक्रम से। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने कहाँ, 77 जो उनका जन्मदिन आया था, ये उससे उस समय भी ये वाला जो गीत था, यानी अभी तक उनकी जो चेहरे पे जो नूर है, जो चमक है, वो उनकी कई गीतों को अभी भी सार्थक करती है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। 70 के दशक के अंत से और 1960 के दशक के अंत से 1970 के दशक की शुरुआत तक सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सिनेमा जगत में महिलाओं के रूप में, यानी हीरोइन के रूप में जो सबसे ज़्यादा पेमेंट लिया, उसमें उनका नाम सबसे पहले आता है। और आशा पारेख ने 1966 से 1972 तक 7 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में अपना स्थान बनाया है। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनके सम्मान में एक आयोजन किया गया था, जहां उनकी 3 फिल्में दिखाई गई थी। और उनके सम्मान में ही बांद्रा बैंडस्टैंड में वॉक ऑफ द स्टार्स में आशा पारेख के हाथ के निशान का अनावरण भी किया गया था। जी हाँ, ये सब आशा पारेख से संबंधित बातें। पर आप क्या जानते हैं कि जब उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना बंद किया, तो फिर उनके दोस्तों की सलाह पर वो एक टेलीविज़न निर्देशक बनी और अपने दोस्तों की सलाह को सर माथे पर रख करके उन्होंने शुरुआत की गुजराती धारावाहिक ज्योति के साथ, और इस तरह से बन गई वो टेलीविज़न डायरेक्टर। फिर उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, प्रोडक्शन कंपनी, जिसका नाम था आकृति, और उसके बैनर तले बनाए उन्होंने जो सीरियल था वो पलाश के फूल। आपको यदि कभी रहा याद रहा हो कि एक बहुत ही प्यारा सा सीरियल आता था पलाश के फूल, जिसका कि टाइटल सॉन्ग भी मुझे अभी भी याद है, जब जब मेरे घर आना तुम फूल पलाश के ले आना तुम। बहुत ही अच्छा सीरियल था और इसका जो टाइटल सॉन्ग था बार बार सुनने का मन था करता था, और आज भी जब गुनगुनाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बाजे पायल, कोरा कागज और एक कॉमेडी भी सीरियल बना था दाल में काला, ये सब धारावाहिकों का निर्माण आशा पारेख जी ने अपने बैनर प्रोडक्शन कंपनी आकृति के तहत किया। 1994 से 2000 तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहीं। तो एक बार फिर से आशा पारेख जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपके आज ही दोस्त वैशाली विदा लेना चाहेगी रेनबो रिवाइन के सफर से। चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, जुमे रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई
देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल। क्यों क्यों आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं, नरसों। कहाँ? यही यहाँ, कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। छोड़ दे
Bye.